सबको जय यीशु की। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र हजार दिन बिताने से कहीं ज्यादा अच्छा है। रेजनों, ये सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी आराधना करें, स्तुति करें। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं उन्हें प्रदान करूंगा। बुरे होने पर यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को स्वर्गीय पिता आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रियजनों, ये सुंदर समय है। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, चाहे अपने घर में हो या दफ्तर में, या आप यात्रा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में हैं, तो इस आराधना को सच्चे हृदय, सच्चे मन और आत्मा से सुनना और इसमें भाग लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आपको आज चंगाई प्रदान करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि आप सब लोग मुक्ति प्राप्त करें। और इस विषय में तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2:4 बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। सत्य क्या है? कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुर्दों में से जिलाया और वो जीवितों का ईश्वर पिता के दाहिने विराजमान है। आइए इसी बात को अंगीकार करते हुए हम प्रभु की महिमा करें और उसकी स्तुति के लिए गीत गाएं। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करते जाना, प्रभु आपको आशीष देगा। इस वक्त आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करता जाए। रूह की मामूरी और उसका मसा आप लोगों के घर परिवार में और जीवन में उतरे, जिससे कि आत्मा और हृदय की सच्चाई से आप सब लोग उसकी प्रशंसा कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसकी महिमा गा सकें। क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को चाहता है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं।
मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हल्लेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ईश्वर ने चाहा कि ईसा सारी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करें, और प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर हम सब के लिए प्रायश्चित किया। उसने अपने लहू की एक एक बूंद, एक एक कतरा उसने बह जाने दिया। क्रूस पर उसे ताड़ना दी गई, उसे क्रूस पर ठोंका गया, बड़ी बड़ी कीलों के साथ उस क्रूस के ऊपर जड़ दिया। उसके प्रेम का प्रमाण यदि कोई देखना चाहता है तो वो सलीब की ओर अपनी आंखों को उठाए। वो चेहरा जिसे स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे, प्रियजनों, वो इतना कुरूप था, वो इतना घायल था कि वो पहचान में नहीं आता था कि वास्तव में वो हमारा सच्चा मसीह है, जो हमें मुक्ति देना चाहता था, जो हमारे लिए प्रायश्चित कर रहा था। इसलिए प्रियजनों, आइए प्रायश्चित करते हुए उस मुक्ति के लिए प्रभु की दया की याचना करते जाएं। बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हल्लेलुया। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में आपके वचन को, आपके वचन ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूँ, मैं स्वभाव से विनम्र हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन सहनशीलता, सहनशीलता, विनम्रता, विनम्रता और प्रेम का वरदान, और प्रेम का वरदान प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में
अनेक बार जो कष्ट और चिंताएं मुझे घेर लेती हैं हे प्रभु यीशु मुझे सहारा दीजिए सामर्थ दीजिए जिससे कि मैं आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन सारे दुखों और कष्टों में धैर्य के साथ सामना कर सकूं हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की जीवित उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। बाइबल हमें बताती है कि दाऊद प्रभु का सबसे महान स्तुति करने वाला व्यक्ति था। उसके जैसा प्रशंसा करने वाला व्यक्ति शायद ही हमें कहीं देखने को मिलता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि दाऊद मंजूषा के सामने 10 तारा वाद्य यंत्र लेकर प्रभु की प्रशंसा में उसकी महिमा करता, गीत गाता और मंजूषा के सामने वो नाचता था। जब वो गाता था, नाचता था, तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता था। प्रियजनों, दाऊद के जीवन में प्रभु के लिए ये प्रेम था, और वो प्रेम इतना महान था कि उसने गीतों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा उसे व्यक्त किया। आज प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस जगह पर प्रभु साक्षात रूप से हमारे बीच में उपस्थित रहता है, क्योंकि प्रभु को स्तुति प्रशंसा प्रिय है। वचन हमें बताता है, प्रकाशित ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होकर उसका स्तुतिगान करते रहते हैं। होसान्ना होसान्ना, पवित्र पवित्र पवित्र, यूं ही बोलते रहते हैं। वयोवृद्ध सोने का धूपदान लेकर उसकी आराधना करते हैं और उसकी स्तुति गाते हैं। प्रभु ने यह हमें सुंदर समा दिया है कि हम भी अपने जीवन में उसकी स्तुति करें। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, आपका घर उसकी मामूरी से भर जाए। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरे बिना प्रभु अधूरा हूं। यदि तू मेरे जीवन में आ जाएगा, यदि तू मेरे जीवन में रहेगा, तो मुझे किसी चीज की कमी और घटी ना होगी। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे मित्रों पर दया कर, मेरे भाई बहनों पर दया कर, मेरे पड़ोसियों पर दया कर। रूह का दुगना मसा हमें प्रदान कर, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, पवित्र आत्मा का मसा और उसका सामर्थ्य महसूस करें। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5। प्रभु का वचन कहता है कि केवल एक ही ईश्वर है,
तथा मनुष्यों के बीच और ईश्वर के बीच एक ही मध्यस्थ है, अर्थात प्रभु ईसा मसीह, जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। तो प्रियजनों, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का विनाश करना नहीं चाहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, और अगर उसने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, अपने जैसा बनाया, तो ये उसने प्रेम के कारण किया, क्योंकि वो मनुष्य को प्रेम करता था। अगर वो हमसे प्रेम करता है तो वो कैसे मनुष्य का विनाश कर सकता है। स्त्रोतकार कहता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार हों। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप का जीवन जिएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुराई में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता प्रियजनों कि हम उसकी महिमा से वंचित हो जाएं। संत पौलुस कहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो ईश्वर की महिमा से वंचित नहीं है। प्रियजनों, सबों ने पाप किया, संत पौलुस कहता है, और वो कहता है कि सब के सब उसकी महिमा से वंचित हैं। तो उसकी महिमा में स्थान पाने के लिए हमें, मुझे और आपको अत्यंत आवश्यक है कि हम उसकी महिमा में जीवन बिताएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पाप मनुष्य का विनाश करता है, पाप मनुष्य का पीछा करता है, विपत्ति मनुष्य का पीछा करती है, और इसलिए उसे अपने जीवन में पनपने नहीं देती है। तो जब व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला जाता है, अनेक प्रकार के हाथ की बनाई हुई सृजित वस्तुओं पर विश्वास करने लगता है, मनुष्यों पर भरोसा करने लगता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है, उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करता, तो प्रियजनों, वो ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाता है। अब बाइबल हमें बताती है, पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, कि ऐसे लोगों के लिए शैतान के प्रपंचों और उसके धूमधाम का पालन करने वाले लोगों के लिए एक ही जगह है, और वो है नरक। जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, वह उन्हें नरक में डाल देता है। जो शैतान की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर छलते हैं, तो प्रियजनों, वो शैतान के साथ नरक में ही रहते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि नरक शैतान के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया तो उसे उठाकर धरती पर पटक दिया, सदा के लिए जलने वाली आग में उसे डाल दिया गया। प्रियजनों, शैतान भी यूं ही हमारे जीवन में कार्य करता है, और अनेक बार वो यही चाहता है कि परमेश्वर की संतान को उससे अलग करके इन तमाम दुखों और कष्टों में उन्हें जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया, क्योंकि पिता ईश्वर की इच्छा ये थी कि वह मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करें और सब लोग मुक्ति प्राप्त करें। आज आप जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और इस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग मुक्ति प्राप्त करें, तो आज आपके जीवन में ऐसा होगा। सिर्फ एक बात आवश्यक है, और वो ये कि हम प्रभु के सामने अपने आप को अंगीकार करें। हम एक सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना, मेरा जीवन तेरे बिना अधूरा है, तू अपने रूह का मस्सा मेरे परिवार पर, मेरे जीवन, मेरी आत्मा, मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भेज दे, अपनी हजूरी दे, अपना मस्सा हमें प्रदान कर।
और अपनी रूह को हमारे जीवन में आने दे। आइए हम अंगीकार करें और प्रभु की महिमा करें। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआरुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआरुआ, दे अपनी हजूरी दे अपना मसा दुआ, दे अपनी हजूरी दे अपना मसा दुआ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआ। तू अपनी दया से जो मुझको शिफा से तू अपनी दया से भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, तोड़ सारे ए बंधन ये मेरे खुदा तू आरो आ, तोड़ सारे ये बंधन ए मेरे खुदा तू आ रू 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 आ, कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआरुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआरुआ। रूहे खुदावन ए रूहे खुदा, ए रूहे खुदावन ए रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा तू आ मुझ में मोहब्बत से मुझको सदा तू आ रू 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 आ
कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ, तू आरुआ, तू आरुआ। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है शैतान को अवसर ना दें। पेत्रुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखता है कि शैतान को अवसर ना दें, क्योंकि वो दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको और कब फाड़ खा जाए। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु शैतान के विषय में चर्चा करते हैं, बताते हैं कि शैतान मारने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। और प्रभु ये कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, छोटा मोटा जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन, अनंत जीवन। प्रभु कहता है मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और आप जो उसके वचन पे विश्वास करते हैं, दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, प्रभु आप सबको वो जीवन प्रदान करना चाहता है। इसलिए मेरी और आपकी यही ख्वाहिश रहनी चाहिए कि हम लगातार प्रभु के इस अनंत जीवन को पाने के लिए तरसते रहें। प्रियजनों, इसलिए प्रभु की संगति में रहना, उन लोगों की संगति में रहना जो प्रभु के नाम को सदा सिमरते हैं, भक्तों की संगति में रहना, प्रभु के लोगों की संगति में रहना, क्योंकि जैसे ही आप संगति से अलग होते हैं वो हमारे ऊपर प्रहार करता है, हमारे मन, हमारे विचारों को कुंठित करता है। जैसे ही यूदस इस्कारियोती अपने भाइयों की संगति से अलग हुआ, प्रेरितों से अलग चला गया, शैतान उसके अंदर घुस गया और उसके बाद उसने वो कर डाला जो कभी नहीं किया जाना चाहिए था। वो अपने गुरु को 30 सिक्कों में बेच देता है, उन्हें जल्लादों, सिपाहियों के हवाले कर देता है, पकड़वा देता है। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में असफलता आने लगती है, उन्नति गायब हो जाती है, हम बेचैनी का महसूस करते हैं, अनेक बार हमारे जीवन में कष्ट, चिंताएं, परेशानियां आने लगती हैं। पर याद रखें कि यीशु आपको वो जीवन देना चाहता है, यीशु आपको अपने पवित्र आत्मा से वो बल प्रदान करना चाहता है। उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया जिससे कि हम जीवित रहें, और आज उसका वचन कहता है कि मैं जीवित हूं इसलिए तुम जीवित हो। आप में से जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में बड़ी सादगी के साथ भाग लेते हैं, जो गीतों भजनों के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श करे, मसा करे। केवल यीशु एकमात्र प्रभु है जो हमें मुक्ति दे सकता है, जिसके नाम से शैतान डरता और कांपता है, चिल्लाता है। इसलिए उस प्रभु का नाम हमारे होठों पर सदा बना रहे, इसी विशेष कृपा के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे, हमेशा कहते रहना, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हे ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में तेरी महिमा होने दे, यदि तू चाहे तो मेरा घर बन जाए, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में संतान का वरदान मुझे दे। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन उससे पहले हम इस गीत को गाएं और प्रभु की स्तुति करें
और महिमा करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम आनंद के साथ जलाल पाता रहे, श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू बेमिसाल बनो, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो, तू काबिल है मैं भी कमाल बनो, तू काबिल है मैं भी कमाल बनो, दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, विश्वास के साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे, जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
अपने हाथों को जोड़ें, अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर सारी अंधकार की शक्तियों से आज़ाद करे, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के लोभ लालच से आप लोगों को निजात दिलाएं, आप लोग मुक्ति प्राप्त करें और उसकी महिमा कर सकें। हे प्रभु हम तेरे पास आए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे। हे प्रभु यीशु मेरे दिल, मेरी आत्मा, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में निवास कीजिए। हमारे परिवारों को अपने अधिकार में ले ले, हमारी सोचों पे कब्जा कर और हमें आशीष प्रदान कर, जिससे हम तेरी सेवा में अपना जीवन बिता सके। हे प्रभु तेरी रूह का दुगना मसा हमारे परिवारों पर, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में छा जाए। हमारे चौकटों बिछौनों को अपने पवित्र लहू से ब्लेस कर। जितने भी लोग इस वक्त तेरी प्रार्थना में भाग लेते हैं, इस इबादत में तेरी महिमा कर रहे हैं, हे प्रभु इनके साथ रहने की कृपा कर। हे प्रभु लकवे से पीड़ित, असाध्य रोगों से पीड़ित जो लोग बेड रिडन हैं, लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं, इन पर दया कर दे। तेरा दाहिना हाथ इन पर अब रख दे, जिससे ये ते अपने जीवन में तेरी चंगाई को अनुभव करे। हे प्रभु यीशु तेरे लहू को इनके शरीर आत्मा हृदयों पर छिड़कता हूं। जो लोग तुझसे दूर हैं वो तेरे वचन पर विश्वास करें, भरोसा करें और उनके जीवन में शांति आ जाए। हे प्रभु तू चाहता है कि हम मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं। आज हम सभी लोगों को कृपा प्रदान कर, हे प्रभु यीशु की हम तुझे जाने और सत्य पवित्र आत्मा के द्वारा स्वीकार करें। हे प्रभु यीशु तेरा पवित्र लहू हमारे सिरों से लेकर पांव तक विलेपन करता हूं। हमें अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर, रूह की आग उतरे सारी अंधकार की शक्तियों, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माएं जलकर राख हो जाएं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की आत्मा, लंपटता, हर प्रकार की चोरी, हर प्रकार के व्यभिचार की आत्मा यीशु तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। जो इस वक्त यात्रा कर रहे हैं उनको यात्रा में संरक्षण देने की कृपा कर। माता पिता और दंपतियों पर तेरा आशीर्वाद उतरे, नवयुवक युवतियां तेरे वचन को सुने और समझें और उसे अंगीकार करें, और जिन्होंने तेरी गवाही के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिन्होंने सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, वो निस्वार्थ हृदय से सेवा करते जाएं। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, हर रोग शक्ति से इन्हें बचा के रखे, हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आ